नमस्कार एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। फतेहपुर जनपद खागा तहसील क्षेत्र के एलआई रोड हरदो मुक्ति धाम के पास ट्यूबवेल को गई 11,000 बिजली की लाइन 4-5 फुट जमीन के ऊपर से गुजर रही है, जिसके चलते जंगल में रहने वाले जानवरों का निकलना होता है और वह करंट के चपेट में आ जाते हैं। आप लोगों को बताते चले कि हरदो एलआई रोड मुक्ति धाम के पास रोड किनारे संतोष पासवान, मंगल पासवान, भूरा पासवान, हरछठी पासवान, हुल्ला पासवान, मोतीपाल, संतोष कुमार साहू, पंकज मिश्रा, पवन सिंह सभी लोग परिवार के साथ रहते हैं और संतोष कुमार साहू के सामने पूजा पाठ हेतु शंकर पार्वती हनुमान मंदिर भी है। लेकिन बड़े दुख साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही से लगभग 1.5 दर्जन बेकसूर बेजुबान जानवरों को कोर्ट लग चुका और उनकी दुर्गंध से लोगों का जीना दुश्वार है। जबकि एक पोल बीच में लग जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता तो दिन बड़ा हादसा हो सकता है। आए सुने रोड किनारे रहने वाले निवासियों की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। कहां से कहां के लिए गई? ये यहीं पास के ही लिए आई है जी। आए दिन 2-4 लील गाय घटना होती ही रहती है। पास में ही घर है हमारा, बदबू भी बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा कहीं बीमारी है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से नहीं बच्चों को भी ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, हमको भी प्रभाव पड़ता है, अंदर भी रह जाते हैं तो अंदर। आप कहाँ पर रहते हैं? वो है तो हमारी दुकान। नहीं तो क्या कह रहे थे कि ये बदबू? अरे बदबू तो बैठ जाए तो देवे का, ये दिन भर तो बैठी तो यार बदबू ने देगा, वो सेंट देगा। नहीं तो ये क्या, ये अक्सर ऐसा होता है क्या? हाँ तो काइट हो ऐसा हूँ तो हो गई काइट हो गई हमारे गाँव। जी भाई साहब, ये जो तार इधर से ये गई है बहुत नीचे से गई है जी, तो इसमें जो है आए दिन ये घटनाएं होती है कि लील गाय के छोटे बड़े बछड़े बच्चे मरते रहते हैं। करीब लगभग एक महीने के अंदर लगभग 18 या 19 की संख्या में ये मर चुके हैं। इसमें इतनी बड़ी मतलब दुर्गंध आती है कि यहाँ पे जितने भी बसिंदे रहने वाले हैं, करीब 14-15 घर हैं, इतनी बड़ी दिक्कत इनको है कि ये ना वो ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से खाना खा पाते, इतनी बदबू देते हैं कि जीना हराम है यहाँ पे। और इनको काटते भी, एक खंभा लगा लो तो कोई इसके लिए तैयार नहीं है कि खंभा लगाने के लिए। इतनी तार नीचे है कि उसको मतलब कि खड़े होकर के निकल भी नहीं सकते हो, 11,000 की लाइन है। आप लोगों ने ये बिजली विभाग में ये कंप्लेन किया कि नहीं? बिजली विभाग से कहे हैं लेकिन बिजली विभाग वाले कोई ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिजली विभाग वालों से बात की है, कहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती हैं लेकिन कोई इसमें बिजली विभाग वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है कि क्या होता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये कब से है सर? ये करीब हो गया है करीब अरे है तो 2022 से है, 2022 से ये चालू है और ये चलता ही है अभी तक। आए दिन घटनाएं होती रहती है, इसमें आए दिन जानवर मरते रहते हैं, नील गाय। आप क्या चाहते हैं? अरे हम चाहते हैं कि इसको जो है तार को ऊंची किया जाए या तो तार को हटाई जाए ताकि जो है जानवर जो है जो ये मौत होती है ये रुके, जिससे कम से कम मोहल्ले वासी परेशान होते हैं उसमें जो है गंदगी से वो बचे। कितने लोगों के जो है आवास बने हुए हैं यहाँ? आवास बने के 14-15 घर बने हैं जी। हाँ 14-15 घर लोगों घर बने हैं और सभी लोग यहाँ मैं परिवार के रहते हैं, बच्चों सहित रहते हैं।